हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट सेकंड के लिए। जो हमने यूनिट सेकंड शुरू की थी उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आज हम फिर आ गए हैं वापस। तो हमने आठ लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अब हम ये जो लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। मतलब कि अगर आप लैब में गए, ठीक है, मानो आप लैब में गए, आपको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अगर आप लैब में गए, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कोई अल्कोहल दिया गया। अब आपको नहीं पता कैसा अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कैसा है, नहीं है। तो आप क्या करोगे, कुछ परीक्षण करोगे, कुछ टेस्ट करोगे अल्कोहल्स के, जिनसे आप कंफर्म कर पाओ कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, एक बार एकदम से बता पाओ। मतलब ऐसे टेस्ट चाहिए जिनमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे और उनको कर परफॉर्म करके आपको पता चल जाए कि ये कैसे अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं। तो उन्हीं टेस्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं, अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अल्कोहलों में विभेद करने के लिए जो हम परीक्षण पढ़ने वाले हैं, वो आज 2 परीक्षण पढ़ने वाले हैं हम। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अल्कोहलों में विभेद, कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अल्कोहलों में विभेद, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे हम, डिफरेंशिएट कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो इसके लिए हम 2 परीक्षणों का उपयोग करते हैं इनमें विभेद करने के लिए। कितने हम 2 परीक्षणों का उपयोग करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के लिए, विभेद करने के लिए निम्न 2 परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कौन कौन से परीक्षण हैं, सबसे पहले जो है वो है ल्यूकास टेस्ट, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण, और एक है लुकास परीक्षण। ठीक है, इन दोनों परीक्षणों को पढ़ेंगे हम, कैसे हम इनका यूज़ करके अपने अल्कोहल्स में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुकास परीक्षण से शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम विक्टर मेयर देखेंगे कि विक्टर मेयर्स में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, लुकास परीक्षण क्या करते हैं, हमें अल्कोहल में विभेद करना है। तो यहाँ पर हम ल्यूकास अभिकर्मक का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। अब वो क्या होता है ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर, ये कहलाता है HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। यानी कि हमें HCl चाहिए और ZnCl2 चाहिए, वो भी कैसा, एनहाइड्रस यानी कि शुष्क, उसमें नमी ना हो, ऐसा ZnCl2 चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, यही हमारा ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे ल्यूकास परीक्षण में, ल्यूकास अभिकर्मक का यूज़ करेंगे और पहचानेंगे कि कैसे हम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम अल्कोहलों को क्या करेंगे, अल्कोहलों को ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, क्या किया जाएगा यहाँ पर,
एल्कोहल को, एल्कोहल की क्या देखेंगे हम यहाँ पर, लुकास अभिकर्मक के साथ, लुकास अभिकर्मक के साथ मियाँ, लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा विभेदन किया जाता है, लुकास अभिकर्मक। ठीक है, क्या है भाई लुकास अभिकर्मक? मान लो हमारे पास कोई अल्कोहल है, कुछ भी हो सकता है, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम करानी है HCl से, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस ZnCl2। अगर हम यहाँ पर जिंक को देखें तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ये क्या है, लुईस एसिड है, अभी किसका काम कर रहा है यहाँ पर, लुईस एसिड, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा, ZN को, जिंक को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरी तरफ देखें हम, अगर OH को देखें, ऐसे ही ये बाहर निकलेगा तो ये क्या है, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसे एक अच्छे लीविंग ग्रुप में परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी तो ये बाहर निकलेगा। तो क्या करेगा ये, सबसे पहले एल्कोहल क्या करेगा, जिंक के साथ अभिक्रिया करके ये बना लेगा ZnCl2। इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया भाई, ये तो अनस्टेबल हो गया। ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल होता ही नहीं है, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और विद्युत ऋणात्मक तत्वों पर क्या चाहते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं किसी से मिल जाएं, और इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो स्टेबल तो नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, ये यहां से टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा हमें क्या मिलेगा, R+ ZnOHCl2 ये प्राप्त होगा। एक क्या मिला हमें, R+ मिला, क्या मिला हमें, R+, और क्या प्राप्त हुआ, ZnOHCl2 प्राप्त हुआ। R+ क्या है यहाँ पर, R पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या जनरेट हुआ, कार्बो कैटायन जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ यहाँ पर, कार्बो कैटायन जनरेट हुआ। और जहाँ पर कार्बो कैटायन जनरेट होता है वो मैकेनिज्म कौन सा होता है, SN1। कई बार पढ़ चुके हैं हम, शुरू से लेकर अब तक कई बार हम SN2 और SN1 मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, कि जहाँ पर कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है वो कौन से मैकेनिज्म होती है, SN1। यानी कि ये जो रिएक्शन होंगे इसमें किसका जनरेशन होगा, कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर देखें HCl है, H+ और Cl-, तो R+ पर कौन अटैक कर देगा, Cl- अटैक कर देगा। एक तो हमें ये मिल जाएगा RCl, जो कि क्या है, जो कि है हमारा एल्किल हैलाइड। फिर बचा हुआ क्या है हमारे पास, ZnOHCl2, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बचा हुआ है ना हमारे पास ZnCl2OH, ये क्या करेगा, जो H+ बचा हुआ है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और वापस हमें क्या मिल जाएगा, ZnCl2+H2O। तो इस तरीके से हमें रिएक्शन जब कराएंगे तो ZnCl2 वापस मिल जाए, यानी यहाँ पर ZnCl2 किसका काम कर रहा है, जिंक डाइक्लोराइड किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है ना। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड। अब ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, ये आपको दिखाने के लिए लिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमें क्या मिलेगा, प्लस ZnCl2+H2O। कैसे मिलेगा वो हमने दिखा दिया, कि ये जो है ZnOHCl2 रिएक्ट करेगा H+ के साथ, और मिल जाएगा हमें ZnCl2+H2O। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ हमें, एल्काइल हैलाइड। जैसे ही हम एल्कोहल, जो भी हमें एल्कोहल दिया गया है उसमें हम क्या डालेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे, तो हमें ये प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड। इसका क्या होता है, टर्बिडिटी फॉर्म होती है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब दूधियापन आ जाता है, यानी कि जब आपको अल्कोहल दिया गया था बिल्कुल क्रिस्टल कैसा दिया गया था, बिल्कुल क्लियर दिया गया था, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं था, बिल्कुल पानी जैसा था, आप उसके आर पार देख सकते थे, ट्रांसपेरेंट था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ उसका किसके साथ,
इसके साथ रिएक्शन हुआ युक्त अभिकर्मक के साथ, तो उसमें क्या आ गई? टर्बिडिटी आ गई। ठीक है, टर्बिडिटी आ गई, या यूँ कह लो सफ़ेद अवक्षेप सा बनेगा, हल्का सा अवक्षेप प्राप्त होगा सफ़ेद, तो दूधियापन सा आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। उस दूधियापन को देखकर, उस टर्बिडिटी को देखकर आप बता सकते हैं कि वो अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। किसके आधार पर? इस टर्बिडिटी के आधार पर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे अलग अलग तरीके के अल्कोहल किस प्रकार से इसके साथ रिएक्शन करेंगे युक्त अभिकर्मक के साथ, और क्या कैसे पता चलेगा कि 3 डिग्री क्या है, 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है। किसके आधार पर देखेंगे? इस टर्बिडिटी को देखकर, कि ये टर्बिडिटी हमें तुरंत प्राप्त हो रही है या थोड़े 10-5 मिनट बाद प्राप्त हो रही है या प्राप्ति ही नहीं हो रही है। तो देखते हैं आगे, इसे मिटा देती हूँ। ठीक है, आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म कौन सा बताया है? SN1। SN1 में क्या बनता है? इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बो कैटाइन बनता है इंटरमीडिएट में, है ना? SN1 में क्या बनता है? कार्बो कैटाइन इंटरमीडिएट। इसका मतलब अगर रिएक्शन SN1 है और उसमें कार्बो कैटाइन बन रहा है, तो अभिक्रिया की दर, यानी कि कौन अभिक्रिया फास्ट करेगा, हम कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इसका मतलब इसको हम यहाँ पर इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करना है, और हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? युक्त अभिकर्मक के साथ, जो कि क्या कर, कौन सी मैकेनिज्म से करता है रिएक्शन? SN1 से। इसका मतलब जो कार्बोकेटाइन आसानी से बनेगा वो वाली रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। कहने का मतलब है अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री और भी स्लो, और 1 डिग्री तो बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्ट करेगा, है ना? समझे आप? देखते हैं कैसे। मान लो हमने ये लिया 3 डिग्री अल्कोहल लिया, CH3, 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 OH, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HCl और ZnCl2 के साथ, युक्त अभिकर्मक के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा? CH3, 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 Cl। ठीक है, ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, मैकेनिज्म हम अभी पीछे देख चुके हैं, सभी में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सब उसी मैकेनिज्म से रिएक्ट करेंगे, SN1 से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, और हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे फास्ट बनेगा। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत फास्ट बनेगा, तुरंत बनेगा। तो यहाँ पर जो टर्बिडिटी आएगी, क्या आएगी? टर्बिडिटी, दूधियापन आएगा, वो कैसा आएगा? तुरंत आएगा। तुरंत मतलब इमीडिएटली आएगा, इमीडिएटली, तुरंत, यानी कि जैसे ही हमें अल्कोहल, अगर हमें दिया गया है किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल दिया गया है, हम जैसे ही उसमें युक्त अभिकर्मक डालेंगे, तुरंत डालते ही उसमें क्या आ जाएगा? दूधियापन आ जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, तुरंत रिएक्शन होगा, बहुत फास्ट, आप समय काउंट भी नहीं कर पाएंगे, उससे फास्ट रिएक्शन होगा डालते ही। जैसे ही आपने उसमें डाला ZN, इसका मिक्सचर डाला, युक्त अभिकर्मक का मिश्रण डाला, वो तुरंत टर्बिडिटी देगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि हम पहचान जाएंगे अगर तुरंत टर्बिडिटी आ रही है, विद इन सेकेंड्स आ रही है डालते ही, तो इसका मतलब वो अल्कोहल क्या है, बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहा है। और बहुत फास्ट कौन रिएक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म है, तो बहुत फास्ट वही रिएक्ट करेंगे जिनमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो। इसका मतलब जो हमारा अल्कोहल होगा वो 3 डिग्री होगा। तो जो हमारी अल्कोहल की, ये मैं मिटा दूं, इसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तुरंत रिएक्शन होगा 3 डिग्री के साथ, फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, इसलिए बहुत आसानी से बन जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। अगर हम यीस्ट अल्कोहल से कराएं रिएक्शन, CH3, CH3, HOH, ये कैसा है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये जो अल्कोहल लिया था हमने, ये कैसे लिया था? ये था 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, ये सेकेंड 2 डिग्री अल्कोहल है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे
डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे HCl ZN Cl2 के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा CHCl CH3 CH3, ये बनेगा, ठीक है। इसके साथ भी टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी तो आएगी लेकिन कब, तीन से पाँच मिनट का टाइम लगेगा, तीन से पाँच मिनट में। यानी कि अगर हमारा अल्कोहल 2 डिग्री, जो हमें अल्कोहल दिया गया है वो 2 डिग्री है, तो जैसे ही हम उसमें लुकास मिश्रण डालेंगे तो क्या होगा, फिर हम देखेंगे तुरंत तो रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब डालते ही टर्बिडिटी तो नहीं है, इसका मतलब 3 डिग्री तो नहीं हो सकता। फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, 2-3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट तक वेट करेंगे, फिर देखेंगे। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद हम देखते हैं कि उसमें 5 मिनट के बाद या 3-4 मिनट के बाद, विद इन द 5 मिनट्स क्या आने लगती है, उसमें टर्बिडिटी आने लगती है, दूधियापन आने लगता है। यानी कि अगर हमने मिश्रण मिलाया अल्कोहल के अंदर, उसे थोड़ी देर रखा और देखते हैं कि 3 से 5 मिनट के अंतर्गत उसमें क्या आ रही है, टर्बिडिटी आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन तो हुआ है लेकिन स्लो हुआ है। 3 डिग्री फास्ट रिएक्ट करेंगे क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन है, और यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा स्लो हुआ है, इसका मतलब थोड़ा लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, और 3 डिग्री से लेस स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, 2 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कार्बोकैटायन बना है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, इसका मतलब अल्कोहल कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करते हैं लेकिन थोड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं, 3 से 5 मिनट लग जाती है उनको टर्बिडिटी देने में। वहीं अगर हमारे पास ये हो प्राथमिक अल्कोहल CH3CH2OH प्लस, इसकी रिएक्शन कराऊं मैं HCl ZN Cl2 के साथ, इसके मिक्सचर के साथ, ठीक है, इसके मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराऊं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पर हमें कितना टाइम लगेगा, अब हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तुरंत बनते हैं। 2 डिग्री कार्बोकैटायन थोड़े से लेस स्टेबल है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, कोई हमें वाइड प्रेसिपिटेट टर्बिडिटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्या होगा यहाँ पर, बताओ जल्दी से सोच के, बताओ टर्बिडिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमने वेट किया 5 मिनट, वेट किया 10 मिनट, वेट किया 20 मिनट, वेट किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी आई ही नहीं, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ ही नहीं, यानी कि जो रिएक्शन हो तो रहा है, होगा तो सही लेकिन बहुत स्लो, यानी बहुत टाइम लग जाएगा रिएक्शन को होने में, तुरंत रिएक्शन नहीं देगा। इसका मतलब ये कैसा अल्कोहल है, अगर तुरंत रिएक्शन नहीं हुई, तुरंत हमें टर्बिडिटी नहीं मिली, तो हम मान जाएंगे कि ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, वो लेस स्टेबल होता है। तो क्या कभी टर्बिडिटी नहीं मिलेगी, मिल सकती है अगर हम इसे हीट करें कम से कम 30 मिनट तक, बहुत तेज़ आंच पर इसको क्या करें, हीट करें, इसको बहुत गर्म करें, 30 मिनट तक गर्म करते जाएं, तब जाकर इसमें आएगी टर्बिडिटी, यानी कि तब जाकर उसमें रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। 30 मिनट तक गर्म करना पड़ेगा, यानी तुरंत नहीं देगा। तो हम इस आधार पर हम अल्कोहलों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो हमारे 3 डिग्री अल्कोहल जो हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अभिक्रिया करने की दर क्या होगी, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेंगे, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री तो बहुत ही स्लो रिएक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। और अच्छा बच्चों, एक बात और शायद मुझे याद आ रहा है कि इससे पिछले वाले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7 में, वहाँ पर मैंने आपको ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराई थी, तो शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती से वहाँ पर आपको SN2 लिखा दिया, क्योंकि ऊपर वाले रिएक्शन SN2 से जा रहे थे, तो शायद वहाँ पर भी मैंने गलती से आपको SN2 रिएक्शन दिखा लिया, वहाँ करेक्शन कर लेना। SN2 मैकेनिज्म से नहीं होती रिएक्शन, कौन सी से होती है, SN1 से, और मैंने शायद यही वाला अल्कोहल लिया था CH3CH2OH, मुझे अभी याद आ रहा है थोड़ा सा इसको देखकर, तो शायद CH3CH2OH लिया था। तो इसमें अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा
तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, रिएक्शन तो होगी हालांकि बहुत लाइन लगेगा, कितना लगेगा 30 मिनट तक हीट करना पड़ेगा, लेकिन मैकेनिज्म SN2 नहीं होगा, कौन सा होगा SN1 होगा। तो आप वहाँ पर करेक्शन कर लेना, जहाँ SN2 लिखा हुआ है वहाँ SN2 ना लिख कर क्या कर लेना SN1 कर लेना, और जब रिएक्शन कराओ तो वहाँ पर कार्बोकेटायन को जनरेट करा लेना, इतना आप काम कर लेना ठीक है। वहाँ पर लगता है मुझसे गलती से, क्योंकि ऊपर वाले SN2 से चल रहे थे इसलिए मैंने शायद उसको भी SN2 लिखा दिया गलती से, मैंने भी इतना गौर नहीं किया जल्दी जल्दी में ठीक है। तो आप देख लेना वहाँ पर, अगर SN1 से लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर SN2 से लिखा है तो वहाँ SN1 कर लेना। और क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये SN1 देगा नहीं आसानी से, क्यों नहीं देगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, तो हमको इसको बहुत देर तक हीट करना पड़ेगा, 30 मिनट तक हीट करना पड़ेगा, तब जाके हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी वो रिएक्शन होगा तो सही लेकिन बहुत टाइम के बाद। तो वहाँ पर ये कंडीशन भी डाल देना, 30 मिनट तक हीट करने पर ये मिलेगा। अगर उसकी जगह पर अगर आप अल्कोहल चेंज कर लो, CH2 ये दिया था ना CH3 CH2 OH, तो यहाँ पर अगर आप CH3 लगा दो OH लगा दो तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं वहाँ पर, या तो आप ये कंडीशन को डालो वहाँ पर, हीट करेंगे 30 मिनट्स तक, तब टर्बिडिटी यानी तब वो प्रोडक्ट बनेगा, या तो फिर आप ये वाला अल्कोहल ले लो या फिर ये वाला अल्कोहल ले लो उसकी जगह, इस एक OH को हटाकर एक CH3 और जोड़ दो तो ये वाला अल्कोहल बन जाएगा, तो ये रिएक्शन क्या होगी तुरंत होगी ठीक है। तो ये ठीक कर लेना आप लोग वहाँ पर ठीक है। तो इस तरीके से हम ल्यूकास परीक्षण द्वारा अल्कोहलों में विभेद करते हैं। कैसे विभेद करते हैं कि जो 3 डिग्री अल्कोहल हैं वो क्या करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगे, तुरंत टर्बिडिटी देंगे, जैसे ही हम डालेंगे तुरंत दूधियापन सा देंगे, पहचान जाएंगे 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा टाइम लगाएंगे, 3 से 5 मिनट लगाएंगे, और 1 डिग्री अल्कोहल बहुत वेट करना पड़ेगा उसके लिए, घंटों वेट करना पड़ेगा, अगर नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं तो घंटों वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको टर्बिडिटी दिखेगी, वो भी बहुत बेमालूम सी, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता तो रिएक्शन बहुत 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 स्लो जाएगा, तो टर्बिडिटी भी बहुत स्लो दिखेगी। लेकिन अगर हम 30 मिनट तक हीट करें तो 30 मिनट तक बहुत ज़्यादा हीट करें तो थोड़ी ज़्यादा टर्बिडिटी मिल सकती है, रिएक्शन थोड़ा घंटों की बजाय 30 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हार्श कंडीशन है क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता इसलिए हार्श कंडीशन रखनी पड़ती है। तो एक तो ये है हमारा परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब दूसरा परीक्षण देखते हैं, ये किस पर निर्भर करता है ल्यूकास परीक्षण, अल्कोहलों की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर, क्योंकि यहाँ पर किसका जन्म होता है जब रिएक्शन होती है तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, इसका जन्म होता है। तो जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना फास्ट बनेगा, वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी और वो अल्कोहल उतनी ही ज़्यादा फास्ट टर्बिडिटी देगा। तो ये जो रिएक्शन है पूरी की पूरी कार्बोकैटायन पर डिपेंड है, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही अल्कोहलों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला परीक्षण क्या था हमारा, जो हमारा अगला परीक्षण है वो है सेकंड टेस्ट है विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण, ये भी अल्कोहलों में विभेद करने का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट मेथड है, इससे भी हम अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, ये कई स्टेप्स में होता है, इसमें कई स्टेप देखने पड़ते हैं। सबसे पहले हम अगर हम स्टेप में बांट कर देखें इसे, तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं अल्कोहल की, या लिख लें ये, यह परीक्षण निम्न पदों में पूर्ण होता है। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, सबसे पहले हम अल्कोहल को फॉस्फोरस तथा किसके साथ, अल्कोहल को फॉस्फोरस तथा ऐसे लिख देती हूँ I2, अल्कोहल की फॉस्फोरस तथा I2 से आयोडीन से अभिक्रिया द्वारा क्या बनते हैं, सबसे पहले क्या बनेंगे, एल्किल हेलाइड बनते हैं। सबसे पहले क्या बनेंगे, एल्किल हेलाइड बनेंगे, फॉस्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेंगे, एल्किल हेलाइड बनेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो एल्किल हेलाइड बनेंगे फिर क्या करेंगे, एल्किल हेलाइड की अभिक्रिया
किससे कराएंगे? सिल्वर नाइट्रेट। किससे कराएंगे? सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्राइट, AgNO2 से कराने पर क्या बनेगा? जैसे हम सिल्वर नाइट्राइल से अब क्या कराएंगे तो एल्किल हैलाइड किसमें चेंज हो जाएंगे? एल्किल किस में चेंज हो जाएंगे? वहां पर क्या है? सिल्वर नाइट्राइट है, तो यहां पर क्या बन जाएंगे? एल्किल क्या बन जाएंगे? एल्किल नाइट्रेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एल्किल बनेंगे। फिर क्या होगा? फिर जब हम इसकी अभिक्रिया, किसकी, ये जो बने हमारे पास, क्या बने हमारे पास? एल्किल नाइट्रेट जो बने, या नाइट्रो एल्केन कह लो, इनको क्या बोलते हैं कॉमन भाषा में? बोलते हैं नाइट्रो एल्केन्स या एल्किल नाइट्रेट जो हैं, ये क्या करेंगे फिर? एल्किल नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे होती है इसके बाद? HNO2 नाइट्रस अम्ल से कराने पर HNO2 से कराने पर फाइनल स्टेप में क्या करेंगे हम इसको? HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे इसकी। HNO2 से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल बनता है जो कि OH के साथ सोडियम लवण, या यूं बोलूं सोडियम, जैसे यहां पर क्या बना? नाइट्रोलिक अम्ल, तो यहां पर क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रोल, क्या बनेगा? नाइट्रोलेट बनेगा। सोडियम नाइट्रोलेट देता है, ठीक है। ये रिएक्शंस होने वाली हैं। अब हम देखेंगे कि ये सारी रिएक्शंस हमको अल्कोहल्स में प्राप्त होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेप होने वाले हैं? सबसे पहले हम अल्कोहल की फॉस्फोरस आयोडीन से क्रिया कराएंगे, अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो अल्काइल नाइट्रेट बनेंगे। अल्काइल नाइट्रेट की जो अभिक्रिया जब हम HNO2 से कराएंगे तो एक एसिड मिलेगा हमको, जिसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और फिर जब हम इसको बेस के साथ ट्रीट कराएंगे, NaOH बेस हमारा, उसके साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें नाइट्रोलिक एसिड का सोडियम साल्ट मिलेगा, सोडियम लवण मिलेगा। अगर ये रिएक्शन हो रही है पूरी, यहाँ तक ये सारे स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो एल्कोहल हमारा प्राथमिक एल्कोहल होगा। केवल प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ये सारी अभिक्रियाएं देते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि केवल प्राथमिक अल्कोहल जो होंगे वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये सारी अभिक्रियाएं देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये सभी पद केवल प्राथमिक अल्कोहल्स द्वारा संपन्न होते हैं तथा अंत में, यानी कि जब ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट, अंत में हमें क्या मिलेगा? क्या मिला हमें? सोडियम नाइट्रोलेट बनाना, इसका क्या होता है? लाल रंग होता है। यहाँ पर लिख दूँ मैं, कैसे रंग का होता है? लाल रंग देता है। तो ये सभी पद, ये लाल रंग केवल एक ही अल्कोहल के साथ आएगा। कौन से? प्राथमिक अल्कोहल्स द्वारा संपन्न होते हैं, यानी कि ये जो रेड कलर आया है यहाँ पर, ये केवल प्राथमिक अल्कोहल के साथ आएगा। अगर हमारे पास जो अल्कोहल दिया गया है, हम ये सारे स्टेप करते हैं, जो हमें अल्कोहल दिया गया है, अगर हमें लास्ट में क्या मिलता है? रेड कलर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेड कलर प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ तक रिएक्शन पहुँचती है, सोडियम नाइट्रोलेट बनता है, तो वो अल्कोहल कौन सा होगा? 1 डिग्री, क्योंकि केवल 1 डिग्री अल्कोहल ही है जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, रिएक्शन देख सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि कैसे होती है ये रिएक्शन, कैसे 1 डिग्री अल्कोहल ही देंगे इसे, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं
अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं शदम नाइट्रोल, शदम नाइट्रोल बनाते हैं, यानी कि ये पूरा रिएक्शन नहीं देंगे। यहाँ पर ये जो नाइट्रोलिक अम्ल बना, यहाँ इसकी जगह क्या बनेगा, नाइट्रोल बनेगा, वो भी कैसा, सूडो नाइट्रोल, शदम नाइट्रोल, यानी नाइट्रोल जैसा बिहेव तो करेगा लेकिन नाइट्रोल है नहीं, फॉल्स है। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, शदम का मतलब फॉल्स, झूठा। तो झूठा नाइट्रोल बनेगा, बनते हैं, जिनका रंग कैसा होता है, जिनका रंग नीला, ब्लू कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर प्राप्त होता है। यानी कि जब हम ये रिएक्शंस करा रहे हैं, अगर हमें ब्लू कलर मिल रहा है, रेड कलर मिल रहा है, तो वो कौन से अल्कोहल होंगे, 1 डिग्री अल्कोहल होंगे। ब्लू कलर मिल रहा है तो वो कौन से अल्कोहल होंगे, 2 डिग्री अल्कोहल होंगे। और जो 3 डिग्री अल्कोहल हैं, 3D अल्कोहल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि हम करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, कैसा भी कलर नहीं आएगा, जैसा लिया था वैसा ही रहेगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ये सारी रिएक्शंस नहीं देते। अब हम देखेंगे कैसे 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, रेड कलर कैसे आता है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर कैसे देते हैं। समझ में आया, ये जो सारे स्टेप लिखे मैंने, ये सारे स्टेप अगर पूरे हो रहे हैं और हमें रेड कलर मिल रहा है तो अल्कोहल कैसे होंगे, 1 डिग्री प्राथमिक। अगर ये सारे स्टेप पूरे नहीं हो रहे हैं, हमें कैसा कलर मिल रहा है, ब्लू कलर मिल रहा है, ब्लू कलर मिला इसका मतलब ये सारे स्टेप पूरे नहीं हुए, और ब्लू कलर मिल रहा है इसका मतलब वो अल्कोहल कौन से होंगे, 2 डिग्री। और अगर कोई कलर आया ही नहीं तो कैसे होंगे, 3 डिग्री। यानी कि जैसे ही हम ये रिएक्शन कराएंगे, रेड कलर प्राप्त हुआ तो 1 डिग्री अल्कोहल, ब्लू कलर प्राप्त हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कोई कलर प्राप्त नहीं हुआ यानी नो चेंज, तो ये कौन से होंगे, 3 डिग्री अल्कोहल होंगे। देखते हैं क्या रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर ठीक है क्या होता है, मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने ये लिया, ये लिया CH3CH2OH, प्राइमरी कैसा अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन कराई मैंने फॉस्फोरस और I2 के साथ, फॉस्फोरस और I2 के साथ क्या बनेंगे, एल्काइल हैलाइड। इसका मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले रिएक्शन में करा चुकी हूँ, जब मैंने अल्कोहलों की एल्काइल हैलाइडों के साथ, सॉरी फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ रिएक्शन बताई थी, वही रिएक्शन है ये। पहले फॉस्फोरस किसके साथ रिएक्ट करेगा, I2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, फॉस्फोरस आयोडाइड बनाएगा, और फिर उस फॉस्फोरस आयोडाइड पर कौन रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल रिएक्ट करेंगे। इसकी मैकेनिज्म मैं पहले करा चुकी हूँ इसलिए बार बार नहीं कराऊंगी, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा केवल। तो क्या होगा, यहाँ से क्या बनेगा, CH3CH2I बनेगा, आयोडाइड बनेगा, है ना, ये बना CH3CH2 आयोडाइड। फिर इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है, AgNO2 के साथ, किसके साथ करानी है, AgNO2 के साथ। ये जो यहाँ पर Ag तो प्लस होगा, ठीक है, Ag प्लस में क्या होगा, और NO2 क्या होगा, माइनस। अगर माइनस है NO2 माइनस, AgNO2 जानते हो ना, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा ना ये, तो Ag प्लस हो जाएगा और NO2 माइनस में टूटेगा। तो ये जो NO2 माइनस है, माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसके पास, नाइट्रोजन के पास, तो ये अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे है, ठीक है, आयोडीन, आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से तो ज़्यादा ही होगी, यानी कि ये जो कार्बन होगा इस पर कैसा चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा। और ये क्या, NO2, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पर, और आयोडीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3CH2NO2, ये मिलेगा हमको CH3CH2NO2 एल्काइल नाइट्रेट या नाइट्रो एल्केन, क्या मिला हमको, नाइट्रो एल्केन हमें प्राप्त हुआ। आगे हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, मैं नीचे लिख लेती हूँ, CH3H(NO)O-N+, ठीक है, तो क्या होगा, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO2 से, ये होता है HNO2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये पर यहाँ पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, NO2 नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को किधर खींचेगा, अपनी तरफ, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा, हाइड्रोजन से, तो यानी कि ये जो हाइड्रोजन होंगे ये कैसे होंगे, डेल्टा पॉजिटिव,
एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। कैसे होंगे? एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि ये आसानी से H प्लस दे देगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3CH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, N डबल बॉन्ड O, O माइनस। हालांकि यहाँ पर कार्बेनाइन जैसा कुछ दिख रहा है, ये बनता नहीं है, ये सिर्फ तुमको इसलिए दिखा रही हूँ मैं ताकि तुमको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। ये बनता नहीं है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, तुरंत रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ ना, ऑक्सीजन ने पास क्या आया, चार्ज पॉजिटिव, एन डबल बॉन्ड ओ ये बना ना। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और एक और बने, क्या बने, बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास NO प्लस, या यूँ कह लूँ एन डबल बॉन्ड ओ प्लस, ये बन जाएगा NO प्लस। ठीक है, क्या बन जाएगा, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा, है ना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, हालांकि ये जनरेट नहीं होता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, मतलब कॉन्सर्टेड होती है। जैसे ही ये H प्लस लेगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, NO प्लस आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा एक ही स्टेप में, कॉन्सर्टेड। ये तो मैं आपको दिखा रही ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो कि ये मैकेनिज्म हुई कैसे। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ठीक है क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा CH3C, एक तरफ है NO2 और एक तरफ है N डबल बॉन्ड में O, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, N डबल बॉन्ड O है, NO2 है। फिर आगे क्या होगी, टॉटोमेरिज्म, पढ़ी होगी आपने, टॉटोमेरिज्म क्या होती है, टॉटोमेरिज्म मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यहाँ से निकलेगा अपना बॉन्ड शिफ्ट इधर करेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन पर माइनस जाएगा, वहाँ से कौन चिपक जाएगा, हाइड्रोजन जाकर चिपक जाएगा, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो ये क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड N OH, और ये क्या बन गया, NO2। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड, हम बोल रहे थे ना नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, ये है नाइट्रोलिक एसिड। क्या है ये, नाइट्रोलिक एसिड। फिर हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, किसके साथ, बेस, बेस क्या है हमारे पास, NaOH है, तो OH माइनस देगा ये, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, तो बनेगा क्या, बनेगा हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड N O माइनस, और यहाँ पर कौन रहेगा, Na प्लस, और यहाँ पर NO2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सोडियम सॉल्ट बन गया ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, या इसी को दूसरा नाम दिया था हमने, सोडियम नाइट्रोलेट, और इसी का ही हमें कलर मिलता है, कैसा, ब्लड रेड कलर, कैसा कलर मिलता है, लाल रंग, खून जैसा लाल रंग, ब्लड रेड कलर। तो अगर हमको ये ब्लड रेड कलर मिल रहा है, तो ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल तो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, मैकेनिज्म तो आपने देख लिया कैसे होगा, तो मैं डायरेक्ट 2 डिग्री अल्कोहल बनाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म होगा, और इस तरह से सोडियम सॉल्ट बनेगा नाइट्रोलेट का। अब मैं देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल हैं, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, CHOH, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो मौजूद है, क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। सबसे पहले क्या बनेगा, वही फॉस्फोरस और I2 के साथ रिएक्ट करूँगी, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Cl आ जाएगा, CH3। फिर मैं इसकी रिएक्शन किससे करूँगी, AgNO2 के साथ रिएक्शन करूँगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या है, H है, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, Cl को हटा देंगे, कौन आ जाएगा, सॉरी Cl लगा दिया, आयोडीन को हटा देंगे, और आयोडीन की जगह कौन आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो इस कार्बन से, ये जो कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो कि कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो अब आगे हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे थे, इसकी रिएक्शन हम करा रहे थे HNO2 से, तो HNO2 क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, और ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा CH3। यहाँ पर एक तरफ जुड़ा हुआ है NO2, और एक तरफ कौन जुड़ा हुआ है, N डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अब अगर यहाँ पर हम टॉटोमेरिज्म कराएं, आगे इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद टॉटोमेरिज्म हुई थी,
लेकिन टॉटोमेरिज्म कराएंगे उसके लिए हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल में तो था एक और अल्फा हाइड्रोजन, एक और एसिडिक हाइड्रोजन, तो वहाँ पर तो टॉटोमेरिज्म हो गई, लेकिन यहाँ पर तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब आगे की रिएक्शन जो टॉटोमेरिज्म थी नहीं होगी, फिर सो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये जो रिएक्शन है यहीं पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यहीं पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर बनना चाहिए था नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड कब बनता, नाइट्रोलिक एसिड तब बनता जब यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होती, लेकिन टॉटोमेरिज्म हो नहीं रही तो नाइट्रोलिक एसिड बन नहीं रहा। तो ये क्या है, ये सूडो नाइट्रोलिक एसिड है, क्या है, सूडो नाइट्रोल, सॉरी नाइट्रोलिक एसिड नहीं है, क्या है, सूडो नाइट्रोल, इसी को क्या बोलते हैं, सूडो नाइट्रोल है, छदम नाइट्रोल, यानी कि झूठा नाइट्रोल। इसी का हमको क्या मिलता है, ब्लू कलर मिलता है, और हम पहचान जाते हैं कि हमारा अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर ये ब्लू कलर आ रहा है तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे बढ़ेगी नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल के साथ देख रहे हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल में तो कोई भी हाइड्रोजन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है भाई, तो यहाँ पर क्या होगी, पहले P प्लस I2 के साथ रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, I1, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, CH3, 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 इतना तो रिएक्शन हो सकता है। फिर आगे की रिएक्शन क्या होगी, आगे नो रिएक्शन, इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर नो चेंज, इसका मतलब यहाँ पर चेंज क्या आएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, इसका मतलब जो हमारा अल्कोहल है वो कैसा है, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री अल्कोहल है, उसने कोई चेंज नहीं दिखाया, इसका मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देंगे, रेड कलर आया तो 1 डिग्री अल्कोहल, ब्लू कलर आया तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कोई रिएक्शन नहीं हुई तो क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हुई तो 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा यहाँ पर ईए तो हो सकती है रिएक्शन, अभी तो हम NO2 बना सकते हैं ना, आयोडीन तो बाहर निकल सकता है, CH3, 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 यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2, बट इसके आगे जो रिएक्शन होंगी वो नहीं होंगी, ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, जैसे आयोडीन क्या हो जाएगा, चेंज, उसको इंटरचेंज कर देगा कौन, यानी सब्सटीट्यूट कर देगा NO2 ग्रुप, ठीक है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे होने के लिए रिएक्शन क्या चाहिए हमें, यहाँ पर प्रोटोन तो चाहिए, तभी तो आगे की रिएक्शन होती, लेकिन ये प्रोटोन है ही नहीं, तो आगे रिएक्शंस नहीं होंगी। तो इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अल्कोहल की सारी रिएक्शन, सारे मैकेनिज्म देख चुके हैं, ठीक है, कि कौन सा रिएक्शन कराएं, क्या मैकेनिज्म कराएं, तो सॉरी किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं, तो किस मैकेनिज्म के द्वारा क्या बनेगा, ये हम सब में देख चुके हैं, है ना, ठीक है। तो हम इसका मतलब अगर हमें एक अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल करना हो, यानी अल्कोहल का अंतर परिवर्तन करना हो, तो हम बिना मैकेनिज्म के हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे अल्कोहल का अंतर परिवर्तन, अल्कोहल का अंतर परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन, यानी एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल में बदलना, मतलब अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, हम उसे 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज करना, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल का 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर परिवर्तन कैसे होगा, अंतर परिवर्तन, मान लो हमारे पास कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, ये है CH3CH2OH, मुझे इसे किस में चेंज करना है, 2 डिग्री में CH2OH, एक और कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, वरना 2 डिग्री में चेंज कैसे होगा, है ना, ठीक है, ये है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैकेनिज्म जो मैं कराने थे वो सारे पीछे करा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ से वाटर को बाहर निकालूँगी, वाटर को बाहर निकालना है, यानी पानी बाहर निकालना है, तो क्या कराना है, निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण के लिए हम क्या क्या यूज़ करते थे, यहाँ तो कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ करते थे, यहाँ PCl5 किसके साथ, PCl5 या फिर एक्वस क्या यूज़ करते थे, KOH, या तो हम PCl5 यूज़ करेंगे, या तो फिर अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अल्कोहल, अच्छे से लिख दे, अल्कोहलिक KOH, इनका यूज़ करेंगे। ये भी क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, पानी को बाहर निकालते हैं,
H2SO4 के साथ भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन। या फिर हम क्या ले सकते हैं, एलोमिना भी ले सकते हैं, Al2O3। बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। और पानी बाहर निकला तो जब निर्जलीकरण होता है, पानी बाहर निकलता है तो क्या बनते हैं, तो बनते हैं हमारे पास एल्कीन। यहाँ पर तीन कार्बन है तो ये कौन सी एल्कीन बनी, प्रोपीन बनी। क्या बनी, प्रोपीन बनी। मैकेनिज्म आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो पिछले लेक्चर देखे, वहाँ पर हमने लिखाया हुआ है मैकेनिज्म के, वाटर कैसे बाहर निकलता है, डिहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है। फिर इसके बाद हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, किसी एसिड से कराएंगे, HI। ये भी हम करा चुके हैं कि जब एल्कीन है और HI है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है और क्या दे रखा है, HI दे रखा है। यानी कि डबल बॉन्ड में एल्कीन मौजूद है और हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज मौजूद है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऐसे पार्ट हैं जिसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एडिशन होगा, एल्कीन का क्या होगा, एडिशन, योग होगा एल्कीन का, वो भी कैसा, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार। मार्कोनिकोफ नियम क्या है, पहले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। या तो मार्कोनिकोफ नियम लगाओ शॉर्ट में, या तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन देखो। मैंने क्या कहा था कि मार्कोनिकोफ नियम तो एक जुगाड़ है, एक्चुअल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, फिर क्या बनाएगा, यहाँ पर एक कार्बोकैटाइन यहाँ बन सकता है, एक कार्बोकैटाइन यहाँ बन सकता है। अगर ये बॉन्ड गया, ये 1 डिग्री बनेगा अनस्टेबल, और ये वाला क्या बनेगा, 2 डिग्री। तो कौन सा कार्बोकैटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकैटाइन बनेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर। तो ये क्या बनेगा, हमें मिलेगा CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन आकर जुड़ जाएगा। कौन से नियम के अनुसार, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार। बार बार मैकेनिज्म नहीं बताऊँगी, ठीक है। अब हम इसकी किससे रिएक्शन कराएंगे, अब मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, एक्वस KOH ले लूं, या तो फिर क्या ले लूं, AgOH ले लूं, इसके साथ रिएक्ट कराऊं, तो क्या होगा, आयोडीन की जगह कौन आ जाएगा, आयोडीन को जब भी हम, अगर आपने 12th में इंटर कन्वर्जन पढ़े होंगे 12th क्लास में, तो आपको पता होगा एक्वस KOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं एक्वस में लिया है तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर एल्कोहलिक में लिया होता तो क्या होता है, बेस होता है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अगर मैं एल्कोहल के साथ ले रही हूँ तो ये बेसिक करेक्टर दिखाता है, तो ये बेस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं जलीय विलयन ले रही हूँ, एक्वस ले रही हूँ, तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो क्या करेगा, आयोडीन को हटा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा, प्रतिस्थापन कर देगा। तो CH3CH CH3, यहाँ पर क्या आ गया, OH, और ये क्या बन गया, 2 डिग्री। तो इस तरह से हम 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल का बना सकते हैं इन स्टेप्स के द्वारा। अगर हम दूसरा देखें, क्या बनाएं, 2 डिग्री अल्कोहल से, या फिर 2 डिग्री छोड़ो, 1 डिग्री से ही देखते हैं, 1 डिग्री पहले, 1 डिग्री ख़त्म करते हैं फिर 2 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाएं, इस बार 3 डिग्री अल्कोहल में परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन कैसे होगा देखते हैं। कोई 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, मान लो यही वाला ले लिया जो हमने अभी ऊपर लिया था, CH3CH2CH2OH। फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे निर्जलीकरण करना पड़ेगा। निर्जलीकरण के लिए मैं इनमें से कुछ भी ले सकती हूँ, मान लो मैंने कंसनट्रेट H2SO4 लिया है, एलुमिना भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो निर्जली कारक लेना है हमें, कोई सा भी, कई सारा निर्जली कारक, कई सारे होते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, CH3, यही बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बनी, प्रोपीन बन गई। क्या बनी, प्रोपीन बन गई। इसके बाद जैसे ऊपर रिएक्शन हुआ था वही होगा, क्या बनेगा, HI का एडिशन होगा, योग होगा, वो भी किसके अनुसार, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, इसके बाद हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एक्वस KOH, यही सारे स्टेप रिपीट हुए, एक्वस KOH। ये यहाँ पर क्या करेगा, OH- जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, CH3CH, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। पहले क्या बना, 1 डिग्री से 2 डिग्री बना, क्या बना, 1 डिग्री से 2 डिग्री बना। फिर मैं क्या करूँगी, इसका ऑक्सीकरण कर दूँ, क्या कर दूँ इसका, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल है, 2 डिग्री है। और कल ही आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सिखाया था कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो सिर्फ एक ही चीज़ बन सकती है, और वो क्या है,
कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल से हमेशा क्या बनेगा, केवल कीटोन बनेगा। और अब क्या करूँ मैं इसकी, अब ऐसा क्या करूँ, अब यहाँ पर कार्बोनिल समूह आ गया, अब मैं कार्बोनिल समूह पर अटैक कर सकती हूँ। याद करो पीछे मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म हम यूज़ सॉरी कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं CH3MgBr, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने मेथड बनाना सिखाया था, 3 डिग्री अल्कोहल का मेथड दिखा था, उसमें मैंने सिखाया था कि कैसे हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज़ करके अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल यौगिक है तो कार्बोनिल यौगिक में हम किसका रिएक्शन करा सकते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा कर कैसे हम अल्कोहल प्राप्त करेंगे। नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देखो, सारे मैकेनिज्म सारे रिएक्शन करा चुकी हूँ मैं, इसका भी मैकेनिज्म करा चुकी हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा OH, यहाँ से CH3 ग्रुप एक यहाँ पर अटैक करेगा कार्बोनिल समूह पर, एक CH3 पहले से ही है, तो क्या बन गया ये 3 डिग्री अल्कोहल। यानी 1 डिग्री से पहले क्या बना, 2 डिग्री को बनाया, ये क्या बना 2 डिग्री। तो पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाया, 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीकृत किया, कार्बोनिल यौगिक बनाया, और फिर कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किससे कराई, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ कराई, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ कराई। अच्छा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक अकेला नहीं आता, आगे स्टेप में ये भी तो होगा ना, वाटर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा तभी तो H आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया हमारे पास, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो इस तरह से हम इंटर कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें 2 डिग्री ठीक है, अगर हमें 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना हो, एक तो यही स्टेप फॉलो कर सकते हैं लास्ट वाला, एक तो मैंने आपको यही दिखा दिया कि 2 डिग्री बनाए, उसको ऑक्सीकृत कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो, फिर किसकी रिएक्शन करा दो, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करा दो। तो 2 डिग्री से क्या बन जाएगा, तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 डिग्री से हमको सीधा क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री का मैं लिखा हूँ या अभी अभी जस्ट लिखाया था, 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल में परिवर्तन, मान लो ये लिया मैंने जो अभी अभी लिया था जस्ट CH3 CH3 OH H OH, ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, वही रिएक्शन करा सकते हैं, इसको ऑक्सीकरण करा सकती हूँ। इसका ऑक्सीकरण हम कैसे कराएंगे, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण हम देख चुके हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या तो क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्रोमिक एसिड है, क्रोमिक एसिड, कॉलिंस रिएजेंट, जोन्स का भी यूज़ करेंगे तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री से कीटोन ही बनेंगे। चाहे हम कोई सा भी रिएजेंट यूज़ करें, PCC करें, PDC करें, कॉलिंस लें, क्रोमिक एसिड लें, कुछ भी लें, लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या बनाते हैं, कीटोन ही बनाते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण हम किसी भी रिएजेंट से करा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा, और फिर इसकी हम किससे रिएक्शन करा देंगे, CH3MgBr, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, और इसका जलीय अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, जस्ट बिल्कुल अभी जो किया था वही रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन अगर हमें क्या करना हो, हमारे पास कोई निम्नतर अल्कोहल, हमें उसे किस में चेंज करना है, उच्चतर अल्कोहल में चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, निम्नतर अल्कोहल का उच्चतर अल्कोहल में परिवर्तन कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, यानी कि निम्नतर में कौन आते हैं, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसके बाद वाले जितने भी अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, हायर, यानी कि वो उच्चतर अल्कोहल होते हैं। तो क्या क्या स्टेप हम यूज़ करेंगे, मान लो हमारे पास अल्कोहल है, ये कोई निम्नतर अल्कोहल है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसकी अल्काइल हैलाइड से आपके फॉस्फोरस हैलाइड से अब क्या करेंगे, यानी फॉस्फोरस और I2 से, तो यहाँ पर OH की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, अभी अभी हमने ये सर रिएक्शन देखा था। फिर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, KCN से करा दें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, CN- न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर अटैक करेगा तो I निकल जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, CN। 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका मैं क्या करा दूँ, CN ग्रुप का अपचयन करा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अपचयन करा दूँ, जैसे कोई भी मेटल कैटालिटिक अपचयन करा दूँ, H2Ni, यानी कि हाइड्रोजनेशन करा दूँ, हाइड्रोजन ऐड करा दूँ, अपचयन कराऊँ किसी भी मेटल की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा, RCH2NH2,
यानी कि एक कार्बन बढ़ गया। अब क्या हुआ हमें दिख रहा है, एक कार्बन बढ़ गया। मान लो ये क्या था, ये ब्यूटेनॉल था, चार कार्बन वाला अल्कोहल था ब्यूटेनॉल। तो अब इसमें कितने कार्बन हो गए, जैसे ही मैंने इसका अपचेन कराया एक कार्बन बढ़ गया, यानी कि इसमें पांच कार्बन हो गए। तो इसका मतलब निम्न से ये किसमें चेंज हो गया, उच्चतर में चेंज हो गया। मान लो पांच कार्बन वाला अल्कोहल लिया था तो छह कार्बन वाला हो गया, यानी कि निम्न से क्या हो रहा है, उच्चतर में चेंज हो रहे हैं। इनमें एक कार्बन मिथिलीन ग्रुप जुड़ रहा है। फिर क्या करूँगी मैं, अभी ये अल्कोहल तो नहीं बनाए तो मैं इसका क्या करूँगी, ऑक्सीकरण करा दूँगी HNO2 से। जैसे इसका ऑक्सीकरण कराऊँगी तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, RCH2OH, सॉरी ऑक्सीकरण नहीं है ये, RNS2 में क्या से, RNS2 से क्या चेंज हो गया, RCH2OH। जैसे ही मैं HNO2 से रिएक्शन कराऊंगी RCH2OH, यानी कि जो अल्कोहल था उसके अंदर एक कार्बन इंजर्ट हो गया, मिथिलीन कार्बन इंजर्ट हो गया। यहाँ पर R और OH ग्रुप के बीच में क्या इंजर्ट हो गया, एक मिथिलीन कार्बन इंजर्ट हो गया। तो ये क्या होगा, उच्चतर अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से निम्नतर से उच्चतर अल्कोहल बनाए जाएंगे। लेकिन अगर हमें उच्चतर से निम्नतर बनाना हो, यानी कि एक कार्बन को घटाना हो, या तो हमने देखा एक कार्बन बढ़ाएंगे कैसे वो तो देख लिया, लेकिन अगर एक कार्बन को घटाना हो तो वो भी देख लेते हैं। यह मैकेनिज्म ये इतनी फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इनके मैकेनिज्म मैं पीछे करा चुकी हूँ। आप पीछे देखोगे तो तुमको सबके मैकेनिज्म मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखूँ, अगर हमारे पास उच्चतर अल्कोहल है तो उच्चतर अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, निम्नतर अल्कोहल में परिवर्तन करना है, निम्नतर अल्कोहल बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा निम्नतर अल्कोहल बनाने के लिए। मान लो हमारे पास, जैसे अभी हमने उच्चतर अल्कोहल बनाया उसमें एक कार्बन को इंजर्ट किया था, अब हमको ये कार्बन जो इंजर्ट किया था ये हटाना है, निम्नतर बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं क्या करा दूँ, ऑक्सीकृत करा दूँ। तो ये अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, तो आप जानते हैं मैं जैसा कि मैंने बताया था 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में भी चेंज हो सकते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी चेंज हो सकते हैं। तो या तो आप इसको डायरेक्ट एल्डिहाइड में चेंज कराओ, RCHO बनाओ, या तो फिर डायरेक्ट क्या, RCOOH, ऐसा रिएजेंट भी ले सकते हैं हम जो डायरेक्ट इसको इसमें चेंज कर देगा, या फिर ये बनाया और इसको ऑक्सीकरण कर दिया, दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। फिर मैं इसकी क्या करूँगी, NaOH से रिएक्शन कराऊँगी, OH माइनस यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ये क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट बन गया। फिर आगे क्या होगा, फिर आगे मैं इसकी अभिक्रिया कराऊंगी NaOHCaO। ये रिएक्शन तो आप जानते होंगे, 12th में बहुत पढ़ी होगी, है ना, सोडा लाइम जैसे बोलते हैं हम। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा RH। इसका रिडक्शन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे। ये किसमें चेंज हो जाएगा, RCO- यानी किसमें चेंज हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन बना, मैंने इसकी Cl2 से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, RCl। और जैसे ही Cl आया तो मैं इसकी किससे रिएक्शन करा दूँ, एक्वस KOH से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको हटा देगा और क्या बन जाएगा, ROH, जो कि क्या है, एक निम्नतर अल्कोहल। इस तरह से हम उच्चतर से निम्नतर अल्कोहल बना सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल से शुरुआत करेंगे, कैसे बनते हैं, क्या हैं। ठीक है।